दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल MM विद्यापीठ में। आज हम लोग फिजिक्स का पांचवा लेक्चर देख रहे हैं, टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। क्लास टेंथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप ध्यान से समझिए इसको, नहीं बल्कि हर वह चैप्टर जो आप अपने लेवल का है, अपने स्तर का है, उसको आप इतने अच्छे तरह से पढ़ लें कि अगर आप उसको एक बार पढ़ लें तो दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं। जितना समय लगे उसको बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि ये जो है ना दो चीज़ होता है, एक होता है उद्देश्य पूरा करना और एक होता है जैसे बस फॉर्मेलिटी, एक होता है पर्पस और एक होता है ड्यूटी, दोनों में अंतर है। क्या हुआ, ड्यूटी मतलब क्या, पढ़ रहे हैं ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन इसका पर्पस जो था उद्देश्य वो पूरा होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपको ड्यूटी नहीं निभाना है, सिर्फ पर्पस जो है उसका जो उद्देश्य है वो चीज़ भी आपको हासिल करना है, ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए बिना लेट किए हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे फर्स्ट में है हमारा एमीटर और एक है हमारा वोल्टमीटर, दोनों को एक साथ लिखने की वजह से परिभाषा पहले लिख देते हैं समय का बचत होने के लिए। स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि हम उसको स्लाइड करें और आपको सिर्फ समझा दें, इसलिए लिखने में थोड़ा जो समय वेस्ट होगा इसकी वजह से हम क्या करते हैं इसको पहले लिख देते हैं परिभाषा। तो एमीटर क्या होता है, ऐसा विद्युत यंत्र है, एक ऐसा ये टेक्निक है जो विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या करता है, मापता, मेजर करता है। कितना धारा गया, धारा को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में, लेकिन एक्चुअली कितना धारा गया इस चीज़ को कैसे मेजर किया जाए, तो उसके लिए एक व्यवस्था है, एक टेक्निक हमारे पास, एक यंत्र है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर, ठीक है। अब देखिए जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, एक विद्युत परिपथ हो गया, मान लीजिए ये हमारा हो गया यहाँ पे एक बैटरी, यहाँ पे लगा दिए हम स्विच, ये ऑन हो गया, करंट इसमें इधर से जा रहा है और इधर से रिटर्न आ रहा है, क्योंकि परिपथ ये हमारा क्या है, क्लोज है, बंद परिपथ है। अब ध्यान से देखिए आप, जब इसमें करंट हमारा जा रहा है, हमको नापना क्या है, इसमें विद्युत धारा, एमीटर यानी हमको नापना है, तो इसमें लगाना होगा कहीं उसको, अगर एमीटर को लगाएंगे तो हमको हमेशा इसको कहाँ लगाना होगा, हमको बीच में, बीच में क्यों लगाना होगा इसको हम अभी क्लियर कर देते हैं। ये बीच में ही लगेगा, इधर प्लस और ये माइनस, जो इंडिकेट करेगा कितना इसमें करंट हमारा जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसको कौन सा क्रम में जोड़े हम लोग, श्रेणी क्रम में जोड़े, कौन सा क्रम में जोड़े इसको हम लोग, श्रेणी क्रम में, यानी एमीटर को हमेशा जो होता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसको कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ते हैं वो भी हम अभी एग्जाम्पल से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्लियर है, एमीटर को हमेशा किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। और वोल्टमीटर क्या होता है, हमारा ऐसा विद्युत यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या नापा जाता है, विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, दो बिंदुओं के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तो क्या लगाते हैं उसमें लोग, वोल्टमीटर लगाते हैं। और ये मान लीजिए हमारा एक विद्युत परिपथ है, ये माइनस और ये हो गया हमारे पास प्लस, यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं स्विच और ये हमको लगाना है यहाँ। तो अगर मान लीजिए कि हमको इस दोनों के बीच में ये बिंदु और ये बिंदु के बीच में हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमको ऐसे लगाना होगा वोल्टमीटर को, इसको बोलते हैं हम लोग समांतर क्रम। कौन सा क्रम बोलते हैं, समांतर या पार्श्व क्रम, ये सीरीज है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ए होता क्या है इसमें, देखिए मान लीजिए आपके पास दो तीन बल्ब है, मान लीजिए आपके पास ये एक बल्ब है और एक बल्ब आपके पास ये है, जब इस बल्ब करने देख रहे हैं, पहले बल्ब का अंतिम सिरा और दूसरे बल्ब का प्राथमिक सिरा को एक साथ अटैच किए, इस तरह से तीसरा बल्ब अगर है तो इसका अभी क्या किया, प्राथमिक सिरा और दूसरे का अंतिम को एक साथ अटैच किए, तो ये वाला जो आपका अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट हमारा क्या कहलाएगा, सीरीज। और यदि हम इसको ऐसे करें कि जितना बल्ब है सब बल्ब का क्या करें, एक साइड का सिरा एक साथ, देख लीजिए एक साइड का सिरा एक साथ और दूसरे साइड का सिरा एक साथ जोड़ दीजिए, तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ हमारा, ये कॉम्बिनेशन कौन सा हुआ हमारा, ये कॉम्बिनेशन हमारा कहलाएगा पैरेलल, समांतर, जो इसमें किए हैं, देखिए इसमें पैरेलल है हमारा और ये हमारा क्या है, एक साथ जोड़ दिए, माइनस वाला इधर एक साथ, उधर वाला एक साथ, लेकिन इसमें क्या है, सीरीज में जुड़े हैं, इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक हो गया हमारा सीरीज,
ये हो जाता है श्रेणीकरण और ये हो जाएगा समांतर क्रम। तो हम इसमें किस में जोड़े हैं? समांतर क्रम में नहीं, ये हमारा श्रेणी क्रम में और ये हमारा समांतर क्रम। लेकिन ऐसा जोड़ते हैं क्यों है, अब ध्यान से देखिए। तो इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है हमारे पास? समांतर क्रम में। ठीक है, एक्चुअली अब देखिए इसमें होता क्या है। मान लीजिए आपको हम एक ये जगह है, मान लीजिए यहां से कुछ गुजरने वाला है इलेक्ट्रॉन और यहां इधर से ये गुजरने वाला है, और हम आपको कह रहे हैं कि और आप ये एक पतला रास्ता है, समझ लीजिए आपको हम यहां कुर्सी देके बैठा दिए। ठीक है, यहां पर आप बैठे हुए हैं और आप क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो अगर एक ही रास्ता है कि आपको बिना ये चेक किए, आप इसको बिना चेक किए गुजरने नहीं दे सकते, साइड से कोई रास्ता नहीं है, तो बताइए सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो है आप ही के थ्रू ये पास करेगा। तो आप इसको बता सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन इधर से क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, प्रति सेकेंड कितना कूलम आवेश क्रॉस कर रहा है, ये चीज आप देख के बता सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कह दिए, श्रेणी क्रम में हम लोग इसलिए जोड़ दिए क्योंकि आपको सब इलेक्ट्रॉन आप ही के थ्रू चले जाए, तभी तो आप एग्जैक्ट बता पाएंगे कितना गया। लेकिन अगर हम आपको क्या करें, ये इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है इस रास्ते से, और आपको हम अगर यहां साइड में बैठा दें, तो क्या सबको सब आपके थ्रू जा पाएगा? नहीं। अब क्या होगा, आप साइड में हैं, इधर से भी एक रास्ता गया हुआ है, गुजरा हुआ है, गली गया हुआ है, क्योंकि आप तो साइड हो गया, देखिए इसमें तो आप उसी गली में बैठ गए, इसमें क्या हुआ, एक साइड रास्ता ले लिए। अब क्या हुआ, कुछ उधर से चल गया, कुछ इधर आ गया, तो आपको तो अब बढ़िया से आप इसमें देख नहीं पाएंगे क्योंकि आप तो साइड में है। तो आप क्या देख पाएंगे, आप देख पाएंगे यहाँ पे कितना आदमी है और यहाँ पे कितना आदमी है। ये दोनों का आप घनत्व तो दूर से देख सकते हैं, लेकिन इस जगह रखे आप दोनों का घनत्व तो देख सकते हैं कि उधर कितना है इधर कितना है, उसमें बहुत परेशानी होगा। तो इस चीज के लिए हम लोग इसको किसमें रखे, काट दिए तार और बीच में घुसा दिए आपको, मतलब गली में बैठा दिए आपको। लेकिन इस कंडीशन में आपको साइड में रखे कि दूर से आपको निरीक्षण करना है कहाँ पे इसका विभव ज्यादा है कहाँ विभव कम है। तो दोनों को देख के आप हमको बता सकते हैं कि वहाँ 10 था यहाँ 5 था, तो बता सकते हैं कि दोनों का विभवांतर 5 वोल्ट हो गया। लेकिन इसमें आपको विभवांतर नहीं बताना है, सारा इसी से आप ध्यान देखिए। और दूसरी बात, जो आदर्श एमिटर होता है, आदर्श मतलब आइडियल जो एमिटर होता है उसका प्रतिरोध होता है शून्य। आदर्श एमिटर शून्य होता है, क्यों होता है शून्य? अब अगर शून्य नहीं रहेगा, मान लीजिए प्रतिरोध शून्य मतलब क्या, प्रतिरोध क्या है आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा चर्चा करते हैं। प्रतिरोध, कोई भी प्रतिरोध का एक गुण होता है प्रतिरोधक, जो क्या करता है किसी वस्तु को मतलब इलेक्ट्रॉन को जाने से वो रोकता है, करंट को जाने के प्रवाह को क्या करता है, विरोध जो करता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। तो अगर आप में विरोध होगा, प्रतिरोध होगा, तो सब करंट आपसे गुजरना नहीं चाहेगा, और नहीं चाहेगा तो आप एक्चुअल माप पाएंगे कितना आवेश है, नहीं नाप पाएंगे। इसीलिए इसका क्या हो जाता है, इसका विरोध करने का जो क्षमता है इसको आदर्श के लिए माना जाता है कितना, जीरो। वास्तव में ऐसा कोई चीज होता नहीं है जिसका एकदम आइडियल जीरो हो जाए, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस उसमें रहता है। लेकिन आदर्श अगर एमिटर है, एकदम आदर्श समझते हैं कि नहीं, आदर्श मतलब आइडियल, जो एक आदमी का गुण होना चाहिए, एक आदमी का गुण होना चाहिए, उसका कुछ लक्षण है, लेकिन उसमें से क्या होता है, साइड भी हट जाता है, तो जो साइड हट गया वो आइडियल तो रहा नहीं। तो एक आइडियल इसको अगर होगा तो जीरो, तो ये अगर जीरो नहीं है, तो अगर हल्का फल्का है तो जीरो के जितना करीब है उतना ही ज्यादा ये आइडियल माना जाएगा। अब देखिए वोल्ट मीटर में, तो एक चीज पता चला वोल्ट मीटर में क्या हो गया, अगर आपके अब क्या होगा, अगर आपसे कुछ इधर से क्रॉस कर गया, अगर आप में से कुछ अगर आदमी क्रॉस कर गया इधर जो बैठे हैं आप इस रास्ते से, तो आप एग्जैक्ट फिर नहीं बता पाएंगे यहाँ का डेंसिटी और यहाँ का डेंसिटी, क्योंकि कुछ तो इधर घुस गया आपके रोड में, तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आपको क्या होना, एक भी इधर से ना सब उधर से, हम आसानी से उसको देख पाएंगे कि कितना यहाँ और कितना वहाँ पे है। इसका मतलब आपका प्रतिरोध यहाँ क्या होना चाहिए, एकदम हाई लेवल का होना चाहिए, कि एक भी इधर नहीं क्रॉस करना, आप ऐसे रखेंगे कि हाँ एक भी क्रॉस नहीं करना, आपका प्रतिरोध एकदम हाई लेवल का होना चाहिए, उसको रोकने के लिए आपके पास कैपेसिटी हाई लेवल का होना चाहिए। यानी अगर आदर्श आप वोल्ट मीटर का बात करें तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इन्फिनिटी यानी अनंत। दिक्कत ये था हमारा एमिटर और ये था हमारा वोल्टमीटर, दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस भी है, दोनों में कुछ कुछ हमारा डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है,
छोटा सा डिफरेंस है, देख लीजिए। पहला डिफरेंस क्या हो गया, अगर हम लिखें छोटा सा पॉइंट करके लिख देते हैं, इधर ये हो गया हमारा मान लीजिए ए मीटर और ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। ये डिफरेंस भी पूछता है। सबसे फर्स्ट क्या हो गया, ये हमारा विद्युत धारा को मापता है। आप इसको अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे क्योंकि उधर लिखा हुआ है, ये हमारा विद्युत धारा मापता है और ये हमारा क्या करता है, दो बिंदुओं के बीच का विभव मापता है। दो बिंदु के बीच का विभवांतर, क्या अंतर है, वही ना, विभवांतर बताता है। अब देखिए बताता है। सेकंड क्या हो गया, इसको हम लोग जोड़ते हैं पैरेलल में, किसको, वोल्टमीटर को, और इसको जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तो ये हो जाता है हमारा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगर आप आगे का बात करें तो इसका एक और प्रॉपर्टी होता है, क्या, अगर आदर्श मीटर है, आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या माना जाता है, शून्य। प्रतिरोध शून्य होता है और अगर आदर्श आपके पास क्या है, वोल्ट मीटर है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या हो जाता है, अनंत होता है। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो एक अंतर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कि इसको जो हम लोग किससे सूचित करते हैं, एमीटर को ऐसे लगा देते हैं, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस, और वोल्ट मीटर को कैसे सूचित करते हैं, भी लिखा देते हैं बीच में, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस। तो ये डिफरेंस भी कई बार पूछता है। तो ये हो गया हमारा एमीटर और ये हो गया वोल्ट मीटर, दोनों का क्या यूज है, दोनों को किस तरह से हम लोग ऐड करते हैं नापने के लिए, श्रेणी क्रम में कि पार्श्व क्रम में किस तरह से जोड़ते हैं, और दोनों का क्या यूज है, एक आदर्श मीटर का क्या गुण होना चाहिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर का क्या गुण होना चाहिए, इस सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में एक एक करके देखें। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ओम का नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले आप लोग जितना इधर पहले पढ़ा है इसको बराबर रिविजन करते रहिए और इस चीज का रोना नहीं रोइए कि हमारे पास जो है साधन की कमी है, मेरे पास कोई साधन नहीं है तो इसकी वजह से हम जो है ये चीज नहीं कर पा रहे हैं। उन्हीं को मिलती है मंजिल, उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो आप लोग हौसला बुलंद रखिए, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।